गवर्मेंट पॉलिसीस फॉर रेजिंग लॉन्ग रन लिविंग स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हमने लास्ट मॉड्यूल में ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि पोलिटिकल गवरमेंट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वह अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो क्या पॉलिसीज़ बनाएं जिसके नतीजे में लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाए तो आज हम इस पर फर्दर बात करेंगे कि गौरमेंट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को इम्प्रूव करके लॉन्ग रन ग्रोथ को इंक्रीज कर सकती है और लॉन्ग रन लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया किया जा सकता है क्योंकि सोलो ग्रोथ मॉडल के मुताबिक भी उसके भी यही कंक्लूजन था कि लॉन्ग रन में अगर हम परमानेंटली ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते हैं ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके उसकी जो ओनली सोर्स है वो ये कि प्रोडक्टिविटी ग्रो हो और इंडोजीनस ग्रोथ मॉडल में भी हमने इसी तरह की चीज़ देखी तो प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसको बढ़ाया जा सकता है तो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं बहुत सारे तरीक़ाकार मौजूद हैं उन पर आज हम बात करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला ये है कि बाई इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि जिसे हम पब्लिक कैपिटल कहते हैं कि मुल्क में मोटरवेज हाईवेज़ ब्रिजेस यूटिलिटीज़ डैम्स एयरपोर्ट्स और ये चीज़ों इनमें इजाफा करके हम अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं और ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाएगा तो एम्पेरिकल स्टडीज़ ये शो करती हैं कि, कि जिस मुल्क में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी और इन दोनों का आपस में ताल्लुक है लेकिन इसके बारे में कि क्या ये जो ताल्लुक़ है ये इसकी डायरेक्शन क्या है इससे मुराद ये कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके लॉन्ग रन ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सकता है या जब कोई इकॉनमी ग्रो करती है तो उसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तो ये एक उसमें क्वेश्चन मार्क है बात को आप समझ रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग रन ग्रोथ में रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके ग्रोथ में इजाफ़ा होता है या जब ग्रोथ होती है तो उसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है बहरहाल एक क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ बनाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए तो उस वो जो डिसीजन लेती हैं उसके मोटि आम तौर पर पोलिटिकल ज़्यादा होते हैं और इकनॉमिक कम होते हैं जो भी फेवरेबल और स्ट्रॉग जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो अपने हलकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीमें अप्रूव करवा लेते हैं जबकि हो सकता है कि उसमें इकनॉमिक रैशनल उसकी बहुत कम हो तो इसका नतीजा भी ये हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है लेकिन उसके नतीजे में डेफिनेटली जब उसकी इकनॉमिक रैशनल प्रॉपर नहीं है तो उसके नतीजे में फिर ये बहस ये क्वेश्चन पैदा होता है कि उसके नतीजे में ग्रोथ होगी या नहीं होगी डेफिनेटली नहीं होगी अगर उसकी इकनॉमिक रैशनल नहीं है सेकंड लॉन्ग रन लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी ग्रोथ करने के लिए उसका सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स ये है कि बाय बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल पर हम बात भी कर चुके हैं कि इससे मुराद क्या है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए बाई इम्प्रूविंग देयर स्किल्स ट्रेनिंग के जरिए से एजुकेशन के जरिए से हेल्थ को इम्प्रूव करके लोगों का ह्यूमन कैपिटल और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए सो एम्पेरिकली ह्यूमन कैपिटल और प्रोडक्टिविटी में भी एक स्ट्रॉग रिलेशनशिप कनेक्शन मौजूद है सो गवर्नमेंट कैन इंक्रेज ह्यूमन कैपिटल फार्मेसन एजुकेशन पॉलिसीज़ को बेहतर करके वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रियलिकेशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रोग्राम्स के जरिए से गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव दिस ह्यूमन कैपिटल एंड थ्रू दिस गोरमेंट कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी सो ह्यूमन कैपिटल में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टाइप है वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं तो गवर्नमेंट अगर इस पर फोकस करे और इसके ज़रिए से नौजवानों को और लोगों को नए काम करने के लिए मौाक़ मुहैया किए जाएँ और उनमें जो रुकावटें हैं उनको कम किया जाए तो इसके नतीजे में डेफ़िनेटली ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव होगा और प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी थर्ड प्रोडक्टिविटी ग्रो करने के लिए यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनक्रेज किया जाए इस बात इससे पहले प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के हवाले से हम क्या बात कर चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल के ज़रिए से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है और अब हम बात कर रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए से ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को ग्रोथ किया जा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खास तौर पर जो बेसिक साइंसेस हैं उन पर अगर गवर्नमेंट फोकस करे और उसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे तो इसके नतीजे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इम्प्रूमेंट होगी बेसिक साइंसिस से मुराद क्या है नॉलेज दो तरह के हैं एक बेसिक साइंसिस हैं और दूसरे को आप कह सकते हैं कि एक तरह से कमर्शल नॉलेज है बेसिक साइंसिस में जो लोग काम करते हैं वहाँ पर उसका इंडिविजुअल्स को बेनिफिट जो होता है वो कम होता है और सोसाइटी को बेनिफिट उसका ज़्यादा होता है उसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ज़्यादा होती है इकनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे तो उसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ज़्यादा होगी ठीक है उसका जो प्राइवेट बेनिफिट है वो कम है और सोशल बेनिफिट उसका ज़्यादा है तो ज़ाहिर है फिर जब प्राइवेट बेनिफिट उसका नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को आगे आना होगा और वो लोगों को इंसेंटिव दे और फैसिलिटेट करे जिसके नतीजे में फिर वो लोग उसके लिए काम करें क्योंकि अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करेगी फिर तो मार्केट सिस्टम में तो बेसिक साइंसेस पर रिसर्च जो है वो फिर ऑप्टिमल नहीं होगी सो गवर्नमेंट शुड फंड रिसर्च फेसिलिटीज गर्मेंट शुड प्रोवाइड ग्रांट्स टू रिसर्चर्स और कॉन्ट्रैक्ट करे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ ठीक है टैक्स इंसेंटिवस प्रोवाइड करके गवर्नमेंट कैन एनक्रेज दिस सेक्टर एंड बेसिक साइंस एजुकेशन को सपोर्ट करके गवर्नमेंट रिसर्च एंड डिवेलपमेंट को इम्प्रूव कर सकती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इम्प्रूव से यकीन प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी और उसके नतीजे में लॉन्ग रन ग्रोथ होगी सो so, लास्ट इस जमन में जो बात है कि इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल के मुताबिक सेविंग रेट को भी इम्प्रूव करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है ठीक है इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल में यही हमने कंक्लूजन देखा था कि सेविंग रेट अगर गवर्नमेंट उसको किसी तरह से इंफ्लेंस करे और उसको इम्प्रूव करे तो उसके नतीजे में भी प्रोडक्टिविटी ग्रो होगी तो आज हमने देखा कि लॉन्ग रन लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ज़रूरी है और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को किस तरह से इस पर काम हो सकता है और इसको इंक्रीज किया जा सकता है थैंक यू